नमस्ते, मैं हूँ टिया, ग्रैंड मास्टर हीलर, क्रिस्टल हीलर, ट्विन फ्लेम कोच, टैरो रीडर, पीएलआर थेरेपिस्ट एंड क्रिया कुंडलिनी मास्टर। वेलकम माय चैनल टिया टैरो कंसल्टेशन। आज लॉन्ग 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 डे बाद मैं फिर से, सबका इतना ज्यादा रिक्वेस्ट था, आपने वीडियो बनाना छोड़ दिया क्या? छोड़ा नहीं, इसलिए शॉर्ट्स रेगुलर दे रही थी। ये जो टाइम होता है ना नवरात्रि एंड उसके पहले, इस टाइम में हम लोग जो क्रिया कुंडलिनी के काम करते हैं एंड ऑल, हम लोग को बहुत सारा प्रैक्टिसेस होते हैं। जो स्पिरिचुअल काम करते हैं इन लोगों को बहुत सारा प्रैक्टिसेस होते हैं। तो अभी प्रैक्टिसेस के अंदर ही हूँ एंड नेचुरली इस टाइम अगर मैं इतना ज्यादा प्रैक्टिस करूंगी, एनर्जी को इन्हांस करूंगी, उसके आसपास के टाइम में भी बहुत सारा हमें, मतलब प्रैक्टिस अगेन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है, ठीक है? तो इसीलिए रेगुलर हूँ, मगर मैं डेली शॉर्ट्स देना, मैं बोला कि मैं शॉर्ट्स देना छोड़ना नहीं है, कि मैं हूँ आप लोगों का जो करंट फीलिंग का है, फिर देती भी रहूंगी एंड मैं ट्राई करूंगी अभी वीडियो देने के लिए, ठीक है? सो आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले, जैसे ऑलवेज मैं सर्विसेज के बारे में बोल देती हूँ। सर्विसेज में फर्स्ट एक बात बोल रही हूँ, ये जो वर्कशॉप आ रहा है टैरो वर्कशॉप, जो बेसिक वर्कशॉप आ रहा है, उसमें बहुत सारा लोग मुझे रिक्वेस्ट किया है कि मैम प्लीज ये 4th and 5th November का डेट को थोड़ा सा अगर आप अलग कर सकते हैं तो हम ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज द टाइम ऑफ दीपावली। दीपावली है 12th एंड ठीक उससे पहले सैटरडे संडे 4th and 5th है, तो ये टाइम में हम लोगों का बहुत सारा काम होगा, बाहर में परचेसिंग होगा, उसके बाद धनतेरस आने वाला है। तो ये जो टाइम है हम लोग बहुत बिजी रहते हैं, देश से भी बोला है, बाहर से, मतलब जो दीपावली मनाते हैं वो लोग बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किए हैं। तो इसके लिए तो मैं अगर 4th 5th को ना करूं तो 12th को दीपावली है, देन आई एम प्लानिंग टू डू इट्स 18th 19th। प्लीज इसके बाद चेंज नहीं होगा। बहुत बार चेंज हुआ, एक बार हुआ, सेकेंड बार हुआ आप लोगों की रिक्वेस्ट में, क्योंकि उस टाइम में कुछ दुर्गा पूजा की एंड उसके बाद का प्रॉब्लम आ रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे सबका देखना है, बट 4th and 5th में जो इतना सारा रिक्वेस्ट आया, बहुत लोग वेट कर रहे थे, वो लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए 4th and 5th को हम डेट चेंज करके, मैं शॉर्ट्स में भी बोलूंगी, हम 18th and 19th कर रहे हैं, अदरवाइज 17th और 18th ऐसा होगा, अदरवाइज 17th 18th होगा, अदरवाइज 18th 19th होगा, जो भी होगा ये उस टाइम में, उस वीकेंड में होगा, ठीक है? दीपावली के बाद की, तो उस टाइम में तो फ्री होंगे, बट इसके बाद हम लोग, मतलब ऐसा भगवान का ब्लेसिंग रहे, हम चेंज नहीं करेंगे, प्लीज इस बार मैं सुन लिया, ठीक है? सर्विसेज के बारे में, नेक्स्ट सर्विसेज है, अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए, अगर आपको ट्विन फ्लेम हार्मोनियस रूनियन के लिए, ट्विन फ्लेम हीलिंग, ट्विन फ्लेम कोचिंग, इन आर वर्ड का जो कोचिंग है चाहिए, अगर आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना है, अगर आपको डिस्टेंस रेकी हीलिंग के जरिए आपका रिलेशनशिप, हेल्थ, एजुकेशन, कोई भी प्रॉब्लम, जो आपका कैरियर, कोई भी प्रॉब्लम ब्लॉक आ रहा है उसको अगर चेंज करना है, अगर आपको प्रॉपर एनर्जाइज्ड प्योर क्रिस्टल चाहिए, प्रॉपर एनर्जाइज्ड प्योर क्रिस्टल चाहिए आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। कहाँ करेंगे? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, 9087282880 उस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप में पिन कीजिए। उसके बाद जैसे प्रोसीजर होगा हम आगे जाएंगे, कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है नहीं, वेरी इजी, ठीक है? तो रीडिंग से पहले दो बातें, इसके बाद आते हैं, दो बातें पे यही बोलेंगे कि ये जो नवरात्रि की टाइम है, ऑल रिलीजन का एक गुड एनर्जी है वो, हम हिंदू मानते हैं नवरात्रि को, जो भी आप जो भी रिलीजन में हो, जो भी रिलीजन में हो, विथ ड्यू रिस्पेक्ट मैं एक ही चीज बताऊंगी, कोई भी, अगर वो ईद भी हो, वो अगर क्रिसमस हो, जो भी हो, कोई गुड एनर्जी तो है उस टाइम में। तो इस टाइम में खुद को एनर्जाइज कीजिए पॉजिटिवली। अगर आप क्रिस्टल, आपका क्रिस्टल है आपके पास, तो क्रिस्टल को आप हाथ में रख के ऐसा फील कीजिए कि मैं पूरा शुद्ध हो रहा हूँ, हो रही हूँ। जो भी आपकी मन की विश है, पॉजिटिव अफर्मेशन डालिए, बोलिए मेन है मैं बैलेंस हूँ, मैं बहुत बैलेंस हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं ब्लिसफुल हूँ। ये तो डेली बोलिए, ये तो डेली बोलिए कि यूनिवर्स ऑलवेज मुझे हैप्पी करते हैं एंड मैं उतना भी ज्यादा हैप्पी हो जाती हूँ, हो जाता हूँ।
ये वाला जो एक्चुअली अफर्मेशन है डेली बोलिए, ठीक है। और एक चीज याद रखना, अभी 9 दिन, नहीं गुस्सा ना कुछ, सिर्फ हैप्पीनेस, ठीक है। खुद के लिए जिए, खुद के लिए जिए, अभी का दिन आदत बन जाएगा, जिंदगी भर ऐसे ही जिएंगे, ठीक है। चलिए आज की रीडिंग, शॉर्ट रीडिंग लेके आई हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, आप लोग सब बिजी हो, फिर भी टू द पॉइंट होगा आज की रीडिंग। रीडिंग से पहले जैसे ऑलवेज सिंगिंग बोल की मधुर साउंड में आप लोग एकदम वाइब्रेट हो जाते हो, हील्ड हो जाते हो, तो लगाइए हेडफोन एंड सुनिए इसके वाइब्रेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। अच्छा, शॉर्ट्स में भी लेके आ रही हूँ, शॉर्ट्स में भी लेके आ रही हूँ उनकी क्या फीलिंग है आपके लिए। आज तो तृतीया हो ही गया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, हर दिन के लिए क्या है इमीडिएट एनर्जी में आप डिवाइन आपको माता रानी के आपको बोलना चाहते हैं, ठीक है। बिल्कुल शॉर्ट्स देखते रहिए एंड अगर आपके साथ रेजोनेट करे तो बिल्कुल लाइक दीजिए, पता चलेगा कि आपके साथ वो रेजोनेट कर रहा है, ठीक है। चलिए चलिए देखते हैं, प्लीज डिवाइन हेल्प करें, प्लीज डिवाइन क्या है मेरे जो व्यूवर्स है, ये स्पेशल जो एनर्जी है, स्पेशल एनर्जी में मेरे व्यूवर्स की पर्सन की करंट फीलिंग क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज डिवाइन हेल्प करें, प्लीज डिवाइन हेल्प करें क्या है मेरे व्यूवर्स की जो पर्सन है उनकी एनर्जी। फर्स्ट कार्ड है 6 of Wands, जजमेंट, मैजिशियन, सन, 7 of Cups, किस बात की 7 of Cups भाई, लवर्स, 4 of Pentacles, ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, 4 of Swords, 8 of Swords, एम्परर, एकदम स्ट्रॉन्ग, बहुत लोगों के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी है, मैजिशियन, देन इनफाइनाइट साइन भी हम देखते हैं ना मैजिशियन में, मैजिशियन, लवर्स, द एम्परर, टेम्परेंस, 6 of Cups, वाओ, वेरी गुड। तो आपके पर्सन की आप लोग हो सकते हो फायर साइन, हो सकते हो अर्थ साइन, हो सकते हो एयर साइन, हो सकते हो वाटर साइन, कोई भी साइन की आप और आपकी पर्सन हो सकते हो। इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग एंड टाइमलेस रीडिंग, जब भी आपके सामने आएगा ये आपका आपके साथ रेजोनेट करना चाहिए डायरेक्टली या पर्सनली, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आपके पर्सन जो है, बहुत लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, टेम्पोररी हो सकता है, बहुत लॉन्ग टर्म हो सकता है, एक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिखता है बहुत लोगों के लिए। अदरवाइज ऐसा भी बहुत लोग है, थोड़ा बहुत बात तो हो रहा है मगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहे उस सिचुएशन में, इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, ठीक है। बहुत लोगों के लिए आप खुद ही ये स्वर्णों में फंसे हुए हो, इसको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, इसको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, क्या फायदा, फिर कोई कोई चीज इनका चीज अच्छा नहीं लग रहा है मगर फिर भी वो आपको खींचता रहता है। वैसे तो आप दोनों में यहाँ पे बहुत लोग हैं जो सोल लेवल एक कनेक्शन में हो, बहुत सारा लोग सोल में ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्गली दिख रहा है। ये जो पर्सन है काफी आपको छोड़ना नहीं चाहते, बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं चाहते, पकड़ना चाहते, इमीडिएट एनर्जी में दिख रहा है आपके लिए, काफी मैनिफेस्टेशन भी करता है, चलता रहता है दिमाग में मगर कंफ्यूज स्टेट है, कब क्या करे कब क्या करे, थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबिलिटी इनके अंदर अभी इमीडिएट एनर्जी में दिख रहा है। ये जो भी सिचुएशन में स्टक है, अगर नो कॉन्टेक्ट है उससे वो विनर होना चाहते हैं, वो तोड़ना चाहते हैं, ठीक है।
कंफ्यूजन है, यहाँ पे कंफ्यूजन है, मगर डिवाइनली क्रिएटेड कंफ्यूजन है। आपके अंदर क्या क्या चीज का कंफ्यूजन है, कौन सा चीज में आप खुद को कंफ्यूज फील करते हो, उसके ऊपर ध्यान दीजिए, बिल्कुल उसके ऊपर ध्यान दीजिए। ऑलवेज हम लोग एक दूसरे को एनर्जी को मिरर करते हैं, जिन लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है वो तो एग्जैक्ट मिरर है, इसके ऊपर काम कीजिए, ठीक है। आपके लिए अगर सोच बोले तो एक बात पे बहुत पॉजिटिव सन कार्ड आया है, इट्स अ वेरी पॉजिटिव, बट कहीं ना कहीं से आपके अंदर भी एक होपलेसनेस ग्रो कर गया है, क्या फायदा अभी क्या होगा, ये वाला एनर्जी बहुत लोगों के लिए हुआ है, उनके लिए भी मैं एफोर्ट कम देख रही हूँ, ये सब सोचने वाला बात ज्यादा देख रही हूँ, एफोर्ट नहीं है, मगर ही और शी इज वेटिंग कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मिरेकल हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, ये वाला एनर्जी। बट आप दोनों में एक माइंड सोल, अभी अगर उनके लिए भी बोलो एक फिजिकल लेवल पे अट्रैक्शन है, एक मेंटल लेवल पे एक्स्ट्रा इमीडिएट एनर्जी बता रही हूँ, जब भी आप देख रहे हो इमीडिएट एनर्जी में आपकी उनके लिए, आप मतलब उनके दिमाग में आपके लिए ये सब सोच आ रहा है, ठीक है। एक अट्रैक्शन, एक स्पेशल अट्रैक्शन, वो भूलना चाहते हुए भी भूल नहीं पाना, मगर कंफ्यूज एनर्जी है, येस और नो में फंसा हुआ एनर्जी है। अगर ऑलरेडी ए पर्सन मैरिड है, ठीक है, इनका बच्चा है, तो वो जगह से वो कारण में फंसा हुआ है, इसके मतलब ये नहीं आपको छोड़ना चाहते हैं। ये एक चीज बार बार बोलूंगी, इट्स अ फर्स्ट लाइफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, साथ ही साथ इनर चाइल्डहुड्स के ऊपर काम कीजिए, क्योंकि मुझे काफी सारा हो सकता है आप लोगों में इनर चाइल्डहुड वाला एनर्जी मुझे दिख रहा है, ठीक है। बट ये एनर्जी चेंज होगा, 100% ये एनर्जी चेंज होगा, बैलेंस आने वाला है, एंड ट्राई कर रहे इमीडिएट एनर्जी में एक बैलेंस एनर्जी, येस और नो से निकाल के एक बार बैलेंस एनर्जी में आने के लिए, एंड ओवरऑल डिवाइन भी चाहते हैं, स्पेशल एनर्जी में डिवाइन भी चाहते हैं। जो भी सिचुएशन चल रहा है वहां से अगर प्रॉपरली शिक्षा मिल चुका है दोनों को, लेसन मिल चुका है दोनों को, तो एक रियूनियन वाला एनर्जी में लेके आए। ओवरऑल एनर्जी ये दिख रहा है, दिख रहा है नेक्स्ट एक्शन में क्या एनर्जी एनर्जेटिकली आ रहा है, क्या आ रहा है एनर्जेटिकली, प्लीज डिवाइन हेल्प करें। एनर्जी ओरेकल से नेक्स्ट एक्शन में हम क्या देख सकते हैं, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, यस, इनका थोड़ा सा डरपोक राजकुमार अभी धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है एंड थोड़ा सा आगे जाने के लिए कोशिश कर रहा है। नंबर 35 हीलर ऑफ द एजेस, इनके अंदर भी ये जो सुपर्ब एनर्जी है, ये सुपर्ब एनर्जी में काम में लगाइए, इन टाइम में जिन लोगों का हीलिंग चल रहा है दे आर ब्लेस्ड। अगर आप खुद हीलिंग जानते हो तो खुद एकदम हीलिंग करो अपने आप को, बहुत जरूरी है इस टाइम में, ठीक है। एंड उनके अंदर कभी ना यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से भी बहुत सारा चीज हील्ड हो रहा है एंड आगे आने का एक जगह तैयार हो रहा है। जैसे ही फर्स्ट चक्र हील हो रहा है, उनके अंदर निर्भयता काम कर रहा है, डर से निकल रहा है, ऐसे ही सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, तो कहीं ना कहीं से इमोशनल जगह, एक सेक्सुअल अट्रैक्शन की जगह, इमोशनल स्टेट काफी स्ट्रांग रहेगा नेक्स्ट कुछ टाइम में आप लोगों के लिए, बिल्कुल इंप्रूवमेंट हो जाएगा। डॉट टू स्पिरिट बार बार कार्ड इंडिकेशन कर रहा है हीलिंग होना, हील्ड होना हो भी रहा है नेक्स्ट एक्शन में। कम्युनिटी ब्लॉसमिंग अबंडेंस, यस, गुड चेंज, यू कैन एक्सपेक्ट 100% गुड चेंज। स्ट्रेटेजी, ये स्ट्रेटेजी भी बना रहा है, कैसे क्या करे ना करे, है ना। एक्शन का कार्ड भी हम देख सकते हैं उधर, सिक्स ऑफ वांड्स से स्टार्ट होते हैं तो एक्शन का कार्ड भी देखते हैं उधर, तो यहाँ पे 100% वो ही एक्शन स्ट्रेटेजी में, स्ट्रेटेजी के जरिए एक्चुअली वो एक्शन हो रहा है ना। तो दिस इज द थिंग, तो फर्स्ट चक्र उनका माने लोअर फ्रिक्वेंसी चक्र ही ऑलमोस्ट जहां पे वो रुके हुए थे वहां से एक इम्प्रूवमेंट वाला एनर्जी दिखा जा रहा है ओवरऑल। सो इस टाइम में आप क्या करेंगे, खाली उनकी एनर्जी सुन के हो जाएगा, नहीं, इस टाइम में आप भी अपने ऊपर भरपूर काम कीजिए, 15 मिनट टाइम दीजिए ना खुद के पीछे, योग कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, क्रिया जानते हैं तो क्रिया कीजिए, चैंटिंग कीजिए, मेडिटेशन फटाक से बोलने से ही नहीं होता, अगर होता है तो बिल्कुल कीजिए, मेडिटेशन में बैठ के इधर उधर सोच रहे वो नहीं, मगर मेडिटेशन मतलब ऐसा ही है, बॉडी को पूरा खोल के छोड़ दो, जो भी चिंता आने दो, जो भी चिंता जाए जाने दो, खुले आसमान की तरह बना दीजिए अपने शरीर को, ठीक है। तो ओवरऑल बहुत पॉजिटिव एनर्जी मुझे दिख रहा है, उनकी आना
एंड उनके अंदर ही हीलिंग तैयार होना, एक हीलिंग प्रॉपर्टी जो उनको हील्ड करेगा, एंड इनके अंदर निर्भयता एंड उनके इमोशन की काफी अपग्रेडेशन एंड एक्शन वाला एनर्जी दिख रहा है नेक्स्ट एक्शन में. अगर बोले तो नंबर 35 इज वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 51, 36, 32, 7, 3, 21, साथ ही साथ 3-3 आया है, 3-3 आया है एंड 5-7-6-8 ऑल्सो इम्पोर्टेंट, 9, ठीक है, इम्पोर्टेंट नंबर. ये डेट हो सकता है, हर चीज का जो डेट पॉसिबल है, मिनट हो सकते हैं, सेकेंड हो सकता है, घंटा हो सकता है, डे हो सकता है, जिसमें आप लोगों का रियूनियन आई एम आस्किंग एकदम 100% आई एम टेलिंग अबाउट रियूनियन. आप अगर बैलेंस एनर्जी में रहिए, यहाँ पे एक रियूनियन एनर्जी बनने वाली है, ठीक है. चलिए देखते हैं ये सिचुएशन पे बाबा की संदेश क्या है आपके लिए, बाबा क्या बोलना चाहते हैं आपको ये सिचुएशन में. प्लीज डिवाइन हेल्प करें ये सिचुएशन में, बाबा का संदेश आपके लिए. ये कार्ड से ही निकला मैं, अच्छा, द वर्ल्ड कार्ड, नाइट ऑफ वंड्स, जजमेंट. अच्छा, मैं बात करते करते टैरो से ही बाबा का संदेश मैंने यहाँ पे देखिए, द वर्ल्ड कार्ड इज न्यू बिगिनिंग, कोई भी न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाला है, कुछ चीज खत्म होके, अगर नो कॉन्टेक्ट है, अगर वो जगह तैयार है तो वो खत्म होके एक न्यू बिगिनिंग. नाइट ऑफ वंड्स, आपके पास कहीं ना कहीं से वो खुशखबर आना एंड जजमेंट जो भी हो रहा है वो डिवाइन की मर्जी से ही हो रहा है. देखते हैं कि बाबा की संदेश अभी क्या है, शायद यही कुछ था, नहीं तो क्यों मैं कार्ड हाथ पे लूं. मध्यम, आप मेरे कार्य का मध्यम है, मैं आपकी मेरे कार्य का मध्यम बनाती हूँ. तो जो भी आप कर रहे हो कहीं ना बाबा का, यहाँ पे भी जजमेंट आया है, बाबा की मर्जी से ही हो रहा है. आप अपने आप को वो जगह बनाइए जहां पे बाबा जो रास्ता दिखा रहे है वो एक्चुअली आप ढूंढ पाए, समझ पाए. अनाशक्ति, अनाशक्ति का अर्थ ये कदापि नहीं है आप लोगों की या परिस्थिति से भागे, केवल उसका ध्यान रहे कि वो नियंत्रित ना कर पाए आपको 100%. स्पिरिचुअलिटी मतलब ये है, स्पिरिचुअलिटी मतलब बहुत लोग बोलते हैं मैं तो अभी ये खाना छोड़ दिया, मैं तो ये करना छोड़ दिया, मैं तो, इसके मतलब स्पिरिचुअलिटी नहीं है, वो आपकी जब मर्जी हो वो छोड़ देना. मुझे याद है मेरे गुरु जी बोले थे कि अगर कोई चीज में पाबंदी मत रखो रश्मि, अगर तुम्हें रोटी खाने का इच्छा भी नहीं होता छोड़ो, वो तुम्हारा संस्कार के बाहर जा रहा है. कोई चीज में तुम्हारा इतना जिंदगी, इतना सारा लाइफ का, इतना सारा लाइफ का जो संस्कार है वो कहाँ जाएगा, उसको फील करने दो. उसके बाद तुम्हें जो छोड़ना है, जो करना है वो करना. एकदम सही बात सबके लिए. मैं भी अपना स्टूडेंट कोई बोलती हूँ ये करना ही है, वो करना ही है, ऐसी बात नहीं है. स्पिरिचुअलिटी की मतलब सब कुछ के अंदर रह के आपने आप को ऐसा जगह में लेके आना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग गीता में देखते हैं कि श्री कृष्ण कण कण में है, कई जगह नहीं है, जैसे ऑलवेज हर चीज में है वो, मगर कोई चीज में ऐसा इन्वॉल्व नहीं है कि वो दुख में मर रहा है, हर चीज से शिक्षा ले रहा है, शिक्षा दे रहा है, ठीक है. तो ये एनर्जी में बिल्कुल रहने के लिए बाबा आपको बोल रहे हैं. तो ये था आज का रीडिंग, होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा. अगर कमेंट करना है, अपना विश बोलना है, ये जो स्पेशल एनर्जी है, स्पेशल हीलिंग होता है ये टाइम में, तो जो भी आपका विश है दिल खोल के बोलिए कमेंट सेक्शन में. मैं जब भी हीलिंग में बैठती हूँ, दिन में 3 बार हीलिंग में बैठती हूँ, अभी तो बहुत ज्यादा एनर्जी होता है, तो आप जो भी एनर्जी है दिल खोल के बोलिए कमेंट सेक्शन में. और मैं जब भी हीलिंग में बैठूंगी, रेके मादर से, डिवाइन से, माता रानी से बिल्कुल प्रे करूंगी कि आप लोगों को जो विश है वो फुलफिल हो जाए. और होने के बाद आप लोग बिल्कुल मुझे बताना आप लोगों का विश फुलफिल हो चुके हैं, बिल्कुल मुझे मैसेज करके बताना कि मैम ये हो चुका है. देखना मैं जो टिप्स दे रही हूँ फॉलो कीजिए, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, ठीक है. बहुत खुश रहिए, बहुत ही हैप्पी नवरात्रि, बहुत शांति से रहिए. थैंक यू.